मेटाबोलिज्म ऑफ फैट्स फर्स्ट दैटाबोलिज्म ऑफ फैटी एसड्स एंड वाई फैटी गिव अस मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन मेटाबोलिज्म ऑफ फैटी एसड्स स्टूडेंट्स अगर हम सबसे पहले इसको थोड़ा सा जब पीछे से अगर हम इसको ओवरऑल मैकेानिजम देखें जो फैटी एसड्स हैं ये हमारे बॉडी के अंदर बेसिकली फैट्स के फार्म में आते हैं फैट्स ग्लिसरोल और फैटी एसड का कम्बिनेशन है फैट्स जो होते हैं जिसको हम ट्राइसाइल गिलेस्टरोल्स भी बोलते हैं ट्राइसाइल गिलस्टरोल या फैट्स जो है वन ग्लिसरोल मालिक्यूल एंड थ्री फैटी एसिड्स जब ब्रेकडाउन होती है तो ग्लिस्ल जो है गिलिस्टरल डिहाइड थ्री फास्टफेट में कन्वर्ट होता है और ग्लाइकॉल्सो के थ्रू एनर्जी देता है ज्यादातर एनर्जी जो फैट से आती है वो फैटी एसिड से आती है फैटी एसिड जो है इनकी ब्रेकडाउन करने को हम कहते हैं फैटी एसिड ऑक्सीडेशन तो, तो मेटाबोलिज्म फैटी एसिड से बेसिक मतलब क्या होगा फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन जब और फैटी एसिड की जो ऑक्सीडेशन है टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया मेनली जो मेन इसकी ब्रेकडाउन होती है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है इसके अलावा किसी हद तक पर और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर भी इसकी ब्रेकडाउन होती है लेकिन जो मेन ब्रेकडाउन का प्रोसेस होता है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है फैटीसर जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसकी ब्रेकडाउन होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फैटिस के ब्रेकडाउन को हम कहते हैं फैटी एसड ऑक्सीडेशन या बीटा ऑक्सीडेशन भी हम इसको कहते हैं फैटी एसिड की ब्रेकडाउन से जो मालिकल्स मिलते हैं दे आर इंपॉर्टेंट जो मालिकल्स हैं दे आर एन और एफ है एन मिलेगा एफ मिलेगा इसके अलावा ए सीटाल कोजाइम ए मिलेगा ए सीटाइल को एनजाम ए फिर साइकिल में चला जाएगा और इससे फिर मजदीद एन और एफ बनेंगे तो यानी रिजल्ट क्या है कि फैटी फैटीस की ब्रेकडाउन से एन और एफ के मालिकल हासिल होते हैं अब ये एन और एफ जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाते हैं क्योंकि इनके पास हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये फिर के इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरने के बाद ए टी पी प्रोड्यूस करवाते हैं या ए टी पी जो हासिल होती है अब इसमें से जो फैटी एसिड्स हैं ये इन यानी कि ज़्यादा एन ए डी एच ओ ज़्यादा एफ ए डी एच टू जो है प्रोड्यूस कराएंगे और ये एफ ए डी एच टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू हमें एनर्जी या ए टी पी जो है वो प्रोड्यूस करवाएंगे यहाँ पर इसका एक डायग्राम ओवरव्यू देख सकते हैं कि ये फैटी एसिड है वन के ऊपर ये पूरा फैटी एसिड का मालिक्यूल है जब इसकी ब्रेकडाउन होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इसकी ब्रेकडाउन से दो चीजें बनती हैं एक एफ एडीएच और एनए डी एच टू बनता है और दूसरा एसिटाइल ए बनेगा एसिटाइल को एनजाम ए जो फैटी एसिड के ब्रेकडाउन से बनेगा वो फिर क्रैब साइकिल में जाएगा जिसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं और मजीद एन ए डी एच टू और एफ ए डी एच टू प्रोड्यूस होगा तो एन ए डी एच टू यहां डबल बन रहे हैं एक फैटी एसिड के ब्रेकडाउन के दौरान दूसरा फैटीएसड से एसिटाइल को इंजाम ए करैप साइकिल और फिर एफ एन ए डी एच और एफ ए डी एच टू बनेगा अब ये एन ए डी एच और एफ ए डी एच टू बेसिकली हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को लेकर रेस्पिरेटरी चेन से जब मूव करेंगे तो अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस होगा ए टी पी प्रोड्यूस होगी और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिर आगे वाटर मालिक्यूल्स बना देते हैं ऑक्सीजन के साथ मिलने के बाद तो वाई फैटी एसिड्स दे गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स तो स्टूडेंट्स अगर हम अभी देखें तो फ़ैटी एसिड से बहुत ज़्यादा नंबर में एन ई डी एच और एफ ई डी एच टू प्रोड्यूस होते हैं ग्लूकोज़ के मुकाबले में तो इसी वजह से जो एफ ए डी एच टू है अगर हम उसकी ओवर बल्कि इसका ओवर एनर्जी लेवल देखें तो फैटी एसिड से हमें टू पॉइंट फाइव टाइम्स ज़्यादा एनर्जी मिलती है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स यानी अगर हमारे पास फैटी एसिड्स हैं और इसके मुकाबले ग्लूकोज़ है तो फैटी एसिड्स आर गिविंग टू पॉइंट फाइव टाइम्स मोर एनर्जी यानी अगर यानी एक तरफ हमें वन एनर्जी हासिल हो रही है ग्लूकोज से तो फैटी एसड से टू पॉइंट फाइव टाइम्स जो है वो ज़्यादा एनर्जी मिलेगी इसकी रीज़न ये है कि जो फैटी एसड्स हैं उनके अंदर कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स हैं उनका नंबर फैट जो है वो कार्बोहाइड्रेट की नस्बत डबल है यानी कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बोहाइड्रोजन जो बॉन्ड्स हैं उनकी निस्बत फैटी एसड में ये नंबर जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं इनका नंबर डबल से ज़्यादा जितने ज़्यादा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे उतनी ही ज़्यादा एनर्जी जो है वो हासिल होती है इसी वजह से एसिड के पास मैक्सिमम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं एंड दे आर गिविंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी